हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट फैंटेसी मैच प्रो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट के बीच में होने वाले मैच के बारे में। तो इस मैच प्रो में हम देखने वाले हैं पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड, हिट रेट रिकॉर्ड, प्लेयर बैटल, प्लेइंग 11, प्लेयर फॉर्म, टॉप कैप्टनशिप पिक, ग्रैंड लीग डिफरेंशियल पिक, डेमो टीम बताने वाला आखिर में, और कुछ फैंटेसी टिप भी देने वाला हो तो वीडियो आखिर तक देखना। ग्रैंड लीग टारगेट कर रहे हो तो, और नए हो चैनल पे तो वीडियो को लाइक और जाने का सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है मुझे हार्ड वर्क करने के लिए, तो उतना कर दो। तो चलिए भाई मैच पे आते हैं, ज़्यादा बोल बच्चा नहीं करने वाला मैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बस। तो चलिए शुरू करते हैं। 7:30 बजे मैच होगा ये। 7 बजे टॉस के बाद जो भी अपडेट होगा, प्लेइंग 11 एज इम्पैक्ट प्लेयर में जो भी नया प्लेयर खेलने आएगा उसके पूरे स्टैट के साथ मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, प्लस इस ब्लॉग का भी लिंक देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आके आप पूरे स्टैट देख सकते हो, नोट बना सकते हो और अपनी अच्छी टीम बना सकते हो। और कोई भी दिक्कत रहेगा तो टेलीग्राम पर DM भी कर सकते हो मुझे। तो चले भाई मैच की तरफ चलते हैं। तो रिसेंट पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो भाई बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहने वाला है, पर रिसेंट में यहाँ पे बॉलर को भी अच्छी खासी मदद मिलती हुई दिख सकती है। दोनों स्पिन और पेस दोनों अच्छे खासे यहाँ पे करते हुए दिख सकते हैं। प्लस डी आने के चांसेस है सेकंड इनिंग में, तो प्रिपेयर करना कि फर्स्ट इनिंग के डेट बॉलर अपने टीम में होनी चाहिए। तो चलिए भाई विनिंग रिकॉर्ड की बात करते भैया, तो 85 मैचेस हुए टोटल, 35 मैचेस बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते, 50 मैचेस बैट सेकंड करने वाली टीम ने जीते हैं, और रिसेंट 6 में से 3 मैचेस बैट डिपेंड करने वाली टीम ने जीते हैं। बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने रिसेंट 6 में से 3 मैचेस यहाँ पर बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते हैं। तो ये भी क्योंकि थोड़े चेंजेस किए हैं वेन्यू पे, इसके वजह से तो क्लोज हाई स्कोर यहाँ पे इस सीज़न का है चेन्नई सुपर किंग्स का 235/4 और बैंगलोर का है 49/10। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे, 150 बिलो 27 बार बना है, 150 से 169 18 बार बना है, 170 टू 189 26 बार बना है, 190 अबव 14 बार बना है। तो भाई हाई स्कोरिंग मैच होने के पूरे चांसेस है। तो रिसेंट मैचेस की बात करते हैं, पर रिसेंट में अभी क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस किया है वेन्यू पे पिच क्रिएटर ने, तो थोड़ा लास्ट मैच यहाँ पे लो स्कोरिंग हुआ था। KKR ने यहाँ पे किया था 149 8 विकेट के नुकसान पे, RR ने 150 किया था और हरा दिया था। तो लास्ट मैच यहाँ पे हारी थी, उस मैच में 4 विकेट स्पिनर को मिला था फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में किसी को विकेट मिला नहीं था। इसमें 8 विकेट टोटल गए थे, 4 स्पिनर को मिला था और 4 पेसर को मिला था। उसके बाद उससे पहले KKR की मैच हुआ था पंजाब के साथ, 179 किया था पंजाब ने और 7 विकेट के नुकसान पे, और KKR ने वो चेस डाउन कर लिया था। उस मैच में 8 विकेट स्पिनर को मिला था, फर्स्ट इनिंग में 5 हुआ था और सेकंड इनिंग में 3 हुआ था, और पेसर को फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट मिला था और सेकंड इनिंग में 1 विकेट मिला था। तो ठीक ठाक है विन रिकॉर्ड अभी फिलहाल। टोटली 4 मैचेस की बात करें तो पेसर को 20 विकेट मिला है और स्पिनर को 21 विकेट मिला है। तो रिसेंट में स्पिन पेस दोनों को अच्छी मदद मिल रही है क्योंकि थोड़ा चेंजेस हुआ है वेन्यू पे, और सेकंड इनिंग भी ड्यू भी आने वाला है, तो जो बैट बॉल फर्स्ट करेगी टीम उसको चेस डाउन करने में इजी रहेगा, और जो भी टॉस जीतेगा मुझे लगता है कि बैट सेकंड ही करेगा, बॉल ही चूज़ करेगा वो। टॉप स्टैट की बेस्ट स्टैट की बात करो अभी वेन्यू पे, इस पर तो नीतीश राणा ने यहाँ पे 20 मैच खेला है, 630 रन है, 85 इसका हाई स्कोर है। रहमान नगरबाद ने 5 मैच खेला है, 170 रन है, 81 इसका हाई स्कोर है। डीकॉक ने KKR के साथ सामने 13 मैच खेला है, 417 रन है और 140 इसका हाई स्कोर है। आवेश खान ने KKR के साथ सामने 6 मैच खेला है, 10 विकेट आवेश का। वही निकोलस पुरन को देखो, शाहरुख ठाकुर ने 4 बार आउट किया है 15 बॉलों में, एक का गजब का मैचअप है भाई, 15 बारों में 4 बार आउट किया है निकोलस पुरन जैसे बैट्समैन को। क्विंटन डीकॉक को देखो, सुनील नारायण ने 3 बार आउट किया है 40 बॉलों में। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 2 ही मैच खेले हैं दोनों टीमों ने, LHG ने जीता है दोनों के दोनों मैच, KKR अभी तक जीत नहीं पाई है। प्लस 88 मैचेस का मैंने दोनों मैचेस का मैंने स्कोर कार्ड दिया है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अच्छे से आके नोट्स बना लेना बेस्ट प्लेयर के, तो एक आपको भी आइडिया हो जाएगी, क्योंकि कल मैं बिज़ी रहने वाला हूँ थोड़ा, तो मुझे हो सकता है पूरे, तो कोशिश तो करूँगा मैं पूरी 100% की टीम दे दूँ। चलो अभी कल देखते क्या होता है कल। तो अभी प्लेयर इलेवन प्लेयर बैटल की बात करेंगे। जेसन राय को देखो, शेफर्ड ने 2 बार आउट किया, पर शेफर्ड प्लेइंग इलेवन में नहीं है। मायर्स ने अभी तक आउट नहीं किया, मार्कुट ने गुरुबास को 1 बार आउट किया है, मायर्स ने 1 बार आउट किया है। वेंकटेश अय्यर को देखो, मोहसिन खान ने 1 बार आउट किया है, ये यश ठाकुर ने 1 बार आउट किया है। नीतीश राणा की बात करें, कृष्णप्पा गौतम ने 1 बार, आज आवेश खान ने 1 बार आउट किया। पर रिसेंट फॉर्म में नीतीश राणा बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, अच्छा खेला है, ठीक ठाक कैप्टनसी भी किया है इसने। उसके बाद रिंकू सिंह, स्पेशली रिंकू सिंह को भाई चेज करते हुए कभी ड्रॉप मत करना। टॉयनिस ने 1 बार आउट किया है, बिश्नोई ने 1 बार आउट किया है, और स्ट्रगल किसी के सामने नहीं, एक एक ही बार आउट किया तो स्ट्रगल नहीं भूलने वाला। रसल को देखो यार, मोहसिन खान ने 1 बार आउट किया, टॉयनिस ने अभी तक आउट नहीं किया। डीकॉक को नारायण ने 3 बार, शार्दुल ठाकुर ने 2 बार आउट किया है। दीपक हुड्डा की बात करें तो शार्दुल ठाकुर ने 2 बार आउट किया है, रसल ने 1 बार आउट किया है। और शार्दुल ठाकुर के सामने दीपक हुड्डा का स्ट्रगल दिख रहा है, वैसे भी इस साल कुछ भी नहीं, पूरा फेल गया है दीपक हुड्डा, खेल ही नहीं रहा, खिलाया बहुत चांस दिया, मैं केकेआर की तारीफ करना चाहूँगा कि ड्रॉप नहीं किया उसको, खिला रहे अभी तक। वही अगर दीपक हुड्डा को ले रहे हो टीम में तो कैप्टन ही बना देना भाई, तो ही लेना, नहीं तो मत लेना इसको। कुणाल पांड्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी रहेगा इस मैच में, क्योंकि 4 ओवर पूरे का रहने वाला है, और सेकंड इनिंग में, तो सेकंड इनिंग में अगर बॉल करेगा ना तो कैप्टन मिंदस कर देना इसको। फर्स्ट इनिंग में चाहो तो बॉल फर्स्ट करेगा तो वाइस कैप्टन कर देना। टॉयनिस की बात करते भाई, टॉयनिस को 2 बार आउट किया शार्दुल ठाकुर ने, रसल ने 1 बार आउट किया है। निकोलस पुरन को देखो, शार्दुल ठाकुर ने 4 बार आउट किया है 15 बॉलों में, सुनील नारायण ने भी 3 बार आउट किया है 50 बॉलों में, 69 रन देखे। बदोनी का किसी के सामने स्ट्रगल नहीं, आउट नहीं हुआ है। अभी प्लेइंग इलेवन की बात करेंगे, प्लेयर फॉर्म की बात करेंगे, जो अपने को पता है उनके बारे में बात करेंगे। डीकॉक भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गया था, उससे पहले 29 फिर 70 किया था। दीपक हुड्डा ले रहे हो तो कैप्टन करो, मैं तो मत लो भाई, क्योंकि दीपक हुड्डा एक कभी तो बहुत टीमों बहुत मैचों में खेल गया, एक मैच में हीरो बनने के चांस है इसको, लास्ट मैच रहने वाला है इनका ये वाला भी। पारेख मानकर रहेगा इम्पोर्टेंट, पारेख मानकर को रखना भाई, बॉलिंग भी कर सकता है ये, और रिसेंट 64 किया था उससे, लास्ट मैच में डक आउट हो गया था। कर्नल पांडे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, मार्कस टॉनिस इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो 2 प्लेयर तो फिक्स रहेंगे, मार्कस टॉनिस और कुणाल पांडे दोनों फिक्स रहने वाले अपने इस मैच में अपने पास। उसके बाद निकोलस पुरन है, निकोलस पुरन को क्या है, निकोलस पुरन को चेसिंग में ट्राई करना, बैट फर्स्ट में इस पर रिस्क ले सकते हो, बैट सेकंड में ज़रूर रखना टीम में। स्वप्निल सिंह है, उसके बाद उतना कुछ खास दिया नहीं, फॉर्म भी उतना कुछ खास नहीं। यश ठाकुर अच्छा रहेगा भाई, अच्छी बॉलिंग कर लेता है ये बंदा, ज़रूर ट्राई करना टीम में। नवीन उल्लख को भी ट्राई कर सकते हो, रवि बिश्नोई मस्ट हैव में रहेगा, इन दोनों में यश ठाकुर और नवीन उलट में डिफरेंशियल ट्राई करना, रवि बिश्नोई को फिक्स करना। लास्ट मैच में सेकंड लास्ट मैच में विकेट ले रहा था, लास्ट मैच में 2 विकेट लिया है इसने चेन्नई के अगेंस्ट। तो अभी इंपैक्ट प्लेयर की बात करो, आयुष बदोनी है, कायल मेयर्स है, डैनियल सैम्स है, कृष्णप्पा गौतम है, और हिदोर सिंह चरक है। तो जो भी खेलेगा उसके स्टैट तो शेयर कर देने वाला हूँ। कृष्णप्पा गौतम ने अच्छा परफॉर्म किया है रिसेंट में, अब जितने भी बार चांस मिला अच्छा किया है। और आयुष बदोनी ये भी अच्छा डिफरेंशियल पिक साबित हो सकता है। बेंच पे भाई मनु नोरा है, करण शर्मा है, अमित मिश्रा है, मार्कोड है, आवेश खान है, जो भी कुछ खेल जो भी प्लेयर खेलने आएगा उसके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोलकाता नाइट राइडर की बात करेंगे भाई, तो जेसन रॉय को भी फर्स्ट इनिंग में रिक्स ले सकते हो, फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप कर सकते हो, सेकंड इनिंग में रखना है इसको टीम में। गुरबाज इम्पोर्टेंट रहने वाला है अपने अपने पास। वेंकटेश अय्यर पे भी रिक्स ले सकते हो, रिसेंट फॉर्म में कुछ खास नहीं, 100 के बाद 150 मारा इसने, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक नहीं है, प्लस
बॉलिंग नहीं कर रहा तो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। नीतीश राणा एज ए फिक्स लेके चल सकते हो गुरुबाज के साथ, अभी नीतीश राणा फिक्स रहेंगे। अगर चेस कर रही है टीम तो रिंकू भी फिक्स रहेगा इसके साथ। उसके बाद एंड्रे रसल रहेगा अपने टीम में भाई, एंड्रे रसल रहेगा। हाँ लास्ट मैच है, दो मैचों में बॉलिंग नहीं की पर इस मैच में कर सकता है बॉलिंग। शार्दुल ठाकुर भी अच्छा रहेगा क्योंकि मैचअप इसका अच्छा है। डीकॉक को भी आउट किया है, पूरन को भी आउट किया है तो अच्छा है, तो इसको भी रखना भाई टीम में, बॉलिंग करते हुए दिख सकता है। क्योंकि आजकल जो टीमें भी फ्रेंचाइज भी स्टैट फॉलो कर रही है अभी। सुनील नारायण भी इम्पोर्टेंट हो सकता है स्पेशली सेकंड इनिंग में। वैभव अरोरा और वैभव अरोरा हर्षित राणा इन दोनों में डिफरेंशियल ट्राई करना तो अच्छा बेनिफिट देंगे। और वरुण चक्रवर्ती को फिक्स करना, तो इस टीम से भाई वरुण चक्रवर्ती फिक्स रहेगा अपनी टीम में। शार्दुल को भी डिफरेंशियल ट्राई करूँगा सूर्य नारायण के साथ में। एंडरसन फिक्स रहेगा, रिंकू सिंह फिक्स रहेगा, नीतीश राणा फिक्स रहेगा। ये चार चार प्लेयर रहेंगे फिक्स। और उधर से मार्कस टॉनिस, कुणाल पांड्या, डीकॉक और विष्णु, ये चार फिक्स रहेंगे। बाकी सबको अपन डिफरेंशियल ट्राई करने वाले हैं। तो इंपैक्ट प्लेयर में तो देखिए सुरेश शर्मा है, नारायण जगदीशन है, उमेश यादव, लोकी फर्गसन है, अंकुल राय को में भी मौका मिल सकता है, और सुरेश शर्मा को, दोनों के आने के चांसेस है। बेंच पे इतने प्लेयर है, जॉनसन चार्ल्स है, डेविड विजय है, कुलवंत खेरजुरिया है, टीम सऊदी है। पीछे डेमो टीम की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे डीकॉक को लिया है और गुरुबास को फिक्स किया है, दोनों को, नीतीश राणा और रिंकू सिंह को लिया है, रसल और वरुण चक्रवर्ती को लिया है। तो रिंकू सिंह की जगह पे अगर बैट सेकंड करती है तो मैं रिंकू सिंह की जगह पे जेसन रॉय को भी ट्राई कर सकता हूँ। टॉइनिस फिक्स रहेगा और कुणाल पांड्या फिक्स रहेगा और विष्णु फिक्स रहेगा। बाकी सबको जो बैस्टमर यहाँ पे ये रहेगा, निकोलस पूरन को भी ऐड कर सकता हूँ मैं किसी रिंकू सिंह को ड्रॉप करके, क्योंकि बैट सेकंड करेगा। तो फर्स्ट इनिंग में रिंकू सिंह नहीं रहेगा टीम में। फर्स्ट इनिंग में अपने पास वेंकटेश अय्यर को भी ट्राई कर सकते हैं अपन। तो ये रहेगा भाई बेसिक टीम अपना। बाकी टॉस के बाद ही फाइनल टीम मिलने वाला है आपको। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। एक लाइक एक सब्सक्रिप्शन बहुत मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए। तो यही था दोस्तों, बाकी तो अपन देखेंगे क्या होने वाला है। डीकॉक फिक्स रहेगा, कायर मेस खेलता है तो वो भी फिक्स रहेगा क्योंकि अच्छा खेलने वाला है कायर मेस और बॉलिंग भी कर सकता है एक से दो ओवर। तो टॉस के बाद ही पता चलेगा अपने को टीम क्या होने वाली है, उसी हिसाब से अपन टीम में चेंजेस करेंगे। पर ये जो मैंने प्लेयर दिए फिक्स रहने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे मुझे लगता है जहाँ तक लगता है कि रिंकू सिंह में ही अपने को चेंज करना पड़ेगा, एक ही प्लेयर में चेंज करना पड़ेगा। बाकी दो प्लेयर अपन अपने हिसाब से ऐड करेंगे टीम में। तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करते हैं। तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में मार्कस टॉइनिस है स्मॉल लीग में, डीकॉक है, नीतीश राणा, जेसन रॉय। ग्रैंड लीग में गुरुबाज है, कुणाल पांड्या, एंड्रे रसल, वरुण चक्रवर्ती रहेगा। वही ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल की बात करो तो नवीन उल्लक है, दीपक हुड्डा है, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण है। फाइनल टीम आपको टॉस के बाद मिलेगा टेलीग्राम पे, प्लस इस ब्लॉग का लिंक देने वाला डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आके पूरे स्टैट के नोट बना सकते हो जिससे आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम खुद बनाने में आसानी हो। और कोई भी और कुछ पूछने का रहेगा तो टेलीग्राम पे मुझे DM भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों मैच के टाइम, सबको गुड लक कल के मैच के लिए। बाय बाय, टेक केयर।